देहरादून में लोकसभा के मद्देनजर प्रदेश भाजपा संगठन लाभार्थी सम्मेलन चला रही है, जिसमें केंद्र और राज्य के लाभार्थियों को सीधा जुड़ने का प्रयास किया जाएगा। वहीं सम्मेलन के लोकसभा क्षेत्रों से लेकर ब्लॉक स्तर तक आयोजित कराया जाएगा, ताकि पार्टी लोकसभा चुनाव का प्रचंड जीत का लक्ष्य प्राप्त कर सके। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश जोशी ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम धामी की सरकार में हर वर्ग के व्यक्तियों को लाभ दिया जा रहा है, जिसके चलते अब पार्टी उन्हीं कामों के बदौलत जन जन तक पहुंचेगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, अभी पूरे प्रदेश के अंदर केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हम लोगों ने जिन जिन जनों तक, जिन जिन मतदाताओं तक, जिन जिन नागरिकों तक पहुंचाई थी, उन सभी से भारतीय जनता पार्टी का एक संपर्क का अभियान है। और उस संपर्क अभियान के तहत अभी लोकसभा स्तर पर हमारे लाभार्थी सम्मेलन चल रहे हैं। उसमें हमारा पौड़ी का सम्मेलन हुआ है, आज हरिद्वार अल्मोड़े का सम्मेलन है, और उसके तत्पश्चात ये लाभार्थी सम्मेलन लोकसभा के बाद सीधे मंडल स्तर पर होने, और मंडल स्तर के बाद बूथ बूथ तक हमारे कार्यकर्ताओं को वो सूचियाँ सारी दी जाएंगी, जिनको किसी न किसी रूप में मोदी जी की सरकार का और धामी जी की सरकार का लाभ मिला है, उन सब से भारतीय जनता पार्टी का संपर्क करने का एक अभियान है।